अस्सलाम वालेकुम ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। एक दो बंदे उठकर पूरे अमन को सबोताज करना चाहे, ये पार्लियामेंट का काम है कि जी फौज वापस आए या जाए या नहीं आए। हू इज मोहसिन दावर कि वो डिमांड करते हैं कि जी वो फौज वापस चली जाए। मैं क्यों चली जाए? ये जो इतने लोगों की कुर्बानियां हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ दोबारा दहशत गर्दी शुरू हो, आप चाहते हैं कि वहाँ दोबारा लोग मरे, वहाँ फिर खून खराबा हो, तो ये जो चीज है इसकी इजाजत कोई नहीं देता। उस वक्त तक फौज वहाँ रहेगी जब तक पूरी तरह अमन ना हो। वज़ीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले को बैरूनी साजिश करार दे दिया। शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि रियासत किसी को अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देगी, जो भी कानून हाथ में लेगा इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए सफ़ीरान शहरयार अफरीदी ने PTM को दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ अपने दिल की बात जुबान पर ले आए। पाक फौज पर बुजदिलाना हमले के बाद मोहसिन दावड़ का रुपोच होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान और दहशतगर्दों के मुतालबे दोहराने लगे। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वजीरिस्तान से पाक फौज के इखला का मुतालबा कर दिया। सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर, पीपल्स पार्टी ने ईद के बाद सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ना लायक और ना अहल वजीर आजम इमरान खान साजिश के जरिए वन पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मजीद कहना है कि आमिर का काला कानून नैब सियासी इंतकाम और पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। PP चेयरमैन का इमरान खान पर अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ रियासत को इस्तेमाल करने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर कौमी असम्बली से अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का भी मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब हेड क्वार्टर में पेशी। पार्टी कायद के साथ इजहार यकजहती के लिए आए कारकुनों पर पुलिस का वहशियाना तशद्दुद। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोप चला दी। कारकुनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल। खवातीन समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। जालों की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पीपल्स पार्टी की क्यादत का कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर पीपल्स पार्टी के कारकुनों की हिमायत में सामने आ गई। मरियम नवाज की वफाकी दारुल हुकूमत में PP कारकुनों पर तशद्दुद की पुरजोर मुजम्मत। इनका कहना है कि इस्लामाबाद को 4 माह तक मफलूज रखने वाला ना अहल वजीर आजम छोटा सा एहतजाज बर्दाश्त न कर सका। जबकि हुकूमती तर्जुमान फिरदौस आसिफ अवान ने कहा है कि कुछ जमाते कारकुनों का ईंधन बनाना चाहती है। नायब ऑफिस ऐसे जाते हैं जैसे कोई किला फतह करने जा रहे हैं। फौज पर हमला करने वालों को ऐवान में लाने की कोशिश की जा रही है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर को 1 दिन की जमानत मिल गई। रिकॉर्ड फराहम न करने पर अदालत का नैब के तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी करने की वार्निंग। चेयरमैन नैब का ऑडियो वीडियो स्कैंडल इनका निजी मामला है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में नया 2 रुकनी बेंच तशकील दे दिया। केस की समाअत 3 जून को होगी। याद रहे हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग, साफ पानी कंपनी और रमजान शुगर मिल रेफरेंस में गिरफ्तारी के खदशे पर हाई कोर्ट से रिजू कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट्स के 2 और सुप्रीम कोर्ट के 1 जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर रेफरेंस में जजों पर बैरून मुल्क जायदादें जाहिर ना करने का इल्जाम लगाया गया है। जबकि जजेस के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान एहतजाजन मुसाफी हो गए हैं। जाहिर फखरुद्दीन ने जजेस के खिलाफ रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश करार दे दिया।
पंजाब हुकूमत ने अपने दिफा के लिए 38 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब ने तर्जुमानों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फ़ियाज़ुल हसन चौहान को भी सूबाई हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। एड्स कैसे हुआ? शिकारपुर में दरिंदा सिर्फ शोहर ने एड्स का शिकार बीवी को बदचलन करार देकर गला दबाकर कत्ल कर दिया। सफाक मुजरिमों ने लाश को दरख्त पर लटका दिया। पुलिस ने खातून के शोहर को गिरफ्तार कर लिया। याद रहे हाल ही में लाड़काना समेत सिंध के मुतअद्दिद शहरों में एड्स से मुतासरा सैकड़ों मरीजों का इंकशाफ हुआ था। मॉस्को की मेजबानी में अफगान अमन अमल के लिए अफगान और तालिबान रहनुमाओं के मुज़ाकरात। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान रहनुमाओं के ग्रुप की सरबराही साबिक सदर हामिद करज़ई और तालिबान वक्त की सरबराही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। तालिबान ने अफगान अमन के लिए गैर मुल्की फौज को अफगानिस्तान से इंखला को लाजमी करार दे दिया। 2 साल कशीदगी का खात्मा। कतर और सऊदी अरब के दरमियान कशीदा तालुकात में बेहतरी के आसार दिखाई देने लगे। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंच गए। याद रहे 2 साल कबल सऊदी अरब और हलीफ ममालिक ने कतर पर दहशतगर्द ग्रुपों की मावनत का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी। एशिया कप T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। पीसीबी हुकाम की श्रीलंकन बोर्ड से सिक्योरिटी वर्क पाकिस्तान भेजने की दरख्वास्त। बॉलीवुड फिल्म स्टार कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को शादी की पेशकश कर दी। कैटरीना कैफ ने समाजी रابطے की वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो सलमान खान को शादी की पेशकश कर रही हैं। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मजीद किसी भी खबर से बखबर रहने के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट onnewstv.pk। देखते रहिए ऑन न्यूज़।